हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास मॉम लाइफ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आठवें महीने में एक गर्भवती स्त्री को, मतलब प्रेग्नेंट वुमन को, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां उसको बरतनी चाहिए और डिलीवरी के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, साथ ही साथ वो अपने आहार, अपने व्यायाम और अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए। इसी सभी का मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। हेलो, माय नेम इज स्नेहा और मुझे दो बच्चे हैं, एक 6 साल की बेटी है और 6 महीने का बेटा है। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं मेरे ही कुछ एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 8वें महीने में अगर आप प्रेग्नेंट हो तो 8वें महीने में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, 8वें महीने में आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हो चुकी होती है। उसका जो वेट होता है वो 2 से लेकर 2.5 किलो तक हो जाता है और उसकी लंबाई 17 से लेकर 19 इंच तक बढ़ जाती है। इसी कारणवश पेट का आकार भी बढ़ जाता है। इसी वजह से आपको बैठने उठने में परेशानी हो सकती है। बैठते वक्त ध्यान रखें कि आप जमीन पर ना बैठे, चेयर या बेड पर ही बैठे, इससे आपकी बॉडी पर कम जोर पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, 90% चांसेस होते हैं कि 8वें महीने शुरू होते ही बच्चा सिफेलिक पोजीशन, मतलब हेड डाउन पोजीशन में आ जाए। इस पोजीशन में बच्चे का सर पेट के नीचे की साइड में, मतलब पेल्विक गर्डन में फिक्स हो जाता है। पर बहुत सारी लेडीज में 8वें महीने में बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता, पर 9th मंथ के शुरुआत में वो हेड डाउन कर जाता है। बड़े हुए बच्चे के वजन के कारण आपको यूटरस में यूटरस काफ़ी एक्सपांड कर जाता है। आपको आपके ऑर्गन को बहुत ही कम स्पेस बच जाती है। इसी वजह से आपके लंग्स पे भी प्रेशर बढ़ता है और आपको एसिडिटी, सीने में जलन, कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी हो सकती है। साथ में पीठ का दर्द यानी बैक पेन भी हो सकता है। आपकी वजाने पर प्रेशर बढ़ने के कारण आपको आपकी योनि की जगह पर दर्द भी हो सकता है। पर डिलीवरी होने के बाद आपको इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। प्रेगनेंसी आपका कोई ऑर्गन डैमेज होता है, मतलब इस दौरान आपका कोई भी इंटरनल ऑर्गन डैमेज होता है, तो बेबी प्लासेंटा के जरिए स्टेम सेल्स सेंड करके उस ऑर्गन को ठीक कर सकता है। ये बहुत ही नेचुरल बात है। मतलब देखिए, आपके स्पेस कितना कम होता है और ऑर्गन्स एक जगह से हिल जाते हैं। अगर उस दौरान कोई डैमेज भी होता है तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि वो अपने आप भी ठीक हो जाए। बेबी ही अपने प्लासेंटा के जरिए स्टेम सेल सेंड करके उसे ठीक कर देता है। सो फ्रेंड्स, अगर किसी कारणवश आपकी डिलीवरी 8वें महीने में होती है तो ये पूरे चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा बच जाए। फिर भी ये डिलीवरी प्रीमैच्योर डिलीवरी होगी और आपके बच्चे को इंटेंस केयर यूनिट या फिर इनक्यूबेटर में रखना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। ऐसा ना हो इसलिए आपको अपनी देखभाल करनी है। 8वें महीने में आपको पैरों में सूजन और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आपको पानी बहुत पीना चाहिए, साथ ही आपको कोकोनट वाटर और कम नमक और शुगर वाली चीजें भी खाना चाहिए। 8वें महीने में आपको हो सके उतना एक्टिव रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर का सारा काम करने में लग जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आपको झाड़ू पोछा करना चाहिए, पर ये सब काम आप तभी करें अगर आपको इससे कोई परेशानी ना हो। अगर आपको इन सब कामों की पहले से आदत हो या फिर आप ये काम करते समय कोई परेशानी महसूस ना करें, वरना आपको इससे नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसे ही काम करें जिस काम में आप कंफर्टेबल हो, वरना आप ना करें, नहीं तो आपको जिंदगी भर के लिए बैक पेन का भी सामना करना पड़ता है इसी कारणवश। तो किसी की बातों में ना आए, आपकी अपनी बॉडी जो कहती है उसकी पहले सुने।
ठीक है। साथ ही साथ आप वॉकिंग जरूर करें, आपको जितना होता है आप वॉकिंग करें, ये बेस्ट एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी के लिए, अपने आप के लिए, आपके बच्चे के लिए। साथ ही साथ अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। अब जानते हैं कि आपके बच्चे का विकास कैसे हुआ है 8वें महीने में। अब आपका बच्चा 2 किलो से लेकर 2.5 किलो तक वेट गेन कर लेता है, उसके सारे ऑर्गन विकसित हो चुके होते हैं और काम भी करने स्टार्ट कर चुके होते हैं। वो माँ की बातें सुन सकता है और रिएक्ट भी कर सकता है, उसकी नींद लेने का पैटर्न भी बन जाता है। 8वें महीने में आप बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा महसूस कर सकती हो, क्योंकि माँ की कोख में वो घूमता रहता है और हेड डाउन पोजीशन में आने की तैयारी शुरू कर देता है। डॉक्टर आपको अपनी बेबी के मूवमेंट पे खास ध्यान रखने के लिए कहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बेबी अच्छी मूवमेंट करे और आप उसे नोट भी कर सकती हैं। अब आपकी नाभि भी बाहर की ओर निकलने लगी होगी, लीनिया नाइग्रा यानी पेट की रेखा भी साफ दिखाई देती होगी। स्ट्रेच मार्क के लिए आप कोकोनट ऑयल या फिर डॉक्टर ने जो भी आपको स्ट्रेच मार्क क्रीम रिकमेंड करी है वो आप रेगुलरली लगाएं, और ये क्रीम आपको डिलीवरी के 3 महीने बाद भी लगाना जारी रखना है अगर आप चाहते हो आपके स्ट्रेच मार्क बहुत जल्दी कम हो तो। आप अपने एक आप नोटिस कर सकते हो कि आपके ब्रेस्ट से दूध का रिसाव भी कभी कभार होता है इस 8वें महीने के दरम्यान, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप कॉटन पैड यूज कर सकते हो और मैटरनिटी ब्रा यूज करें। अब पता करते हैं कि खाने में आपको क्या क्या खाना है। खाने में आपको घर का बना ताज़ा खाना खाना है, जैसे कि आपकी जो हमेशा बनते हैं दाल रोटी सब्जी सलाद राइस आप ले सकती हो। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज की ज़रूरत है इस दौरान। अपनी मेडिसिन जैसे कि कैल्शियम फोलिक और जो भी डॉक्टर रिकमेंड करे वो टॉनिक भी आपको रेगुलरली बिना भूले लेना है, वो भी टाइम पे। 8वें महीने में इम्यूनिटी फ्लूड भी कम हो जाता है, तो आप ज़्यादा पानी पिए, कोकोनट वाटर पिए, और डॉक्टर अगर आपको लगता है कि मतलब डॉक्टर अगर चेक करके आपको बताते हैं कि इम्यूनिटी फ्लूड कम हुआ है तो वो मेंटेन रखने के लिए वो कुछ ड्रिंक भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं, तो आप उसको भी ले सकते हो। आपको रोज स्प्राउटेड मूंग मोट और चना आदि रोज लेना चाहिए। अगर आप दूध पीना आपको अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मुझे दूध पीना उतना सूट नहीं करता था, अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ये स्प्राउटेड मूंग मोट और चना रोज खाती थी और मुझे बहुत पसंद था, और इससे आपके जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी आपको पूरे मिल जाएंगे। साथ में साथ आपको 4 से 5 खजूर भी रोज खाना चाहिए। खजूर भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, कैल्शियम रिच होता है, उसमें कार्ब्स यानी आपको जितने भी विटामिन चाहिए आपको खजूर से मिलते हैं, तो आप खजूर जरूर लिए। और फ्रूट्स में आप पाइनएप्पल और पपाया छोड़कर आप सभी फ्रूट्स खा सकते हो। आपको जो पसंद है आप वो फ्रूट्स खा सकते हो, सीजनल फ्रूट्स खा सकते हो। अब आपको मसालेदार तला गुना बाहर का जंक फूड ऐसे फूड से आपको दूर ही रहना है, हो सके तो अवॉइड करें। एक आध बार थोड़े टेस्ट के लिए खा सकते हो, पर ऐसे मैदा और ऑयली वाले चीज़ें बिल्कुल इससे दूर ही रहे, यह आपके लिए भी अच्छा नहीं है और बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप अगर आप चाय पीना नहीं छोड़ सकती हो तो ट्राई करें कि बहुत कम शुगर और दूध वाली कम मात्रा में चाय ले। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपनी हॉस्पिटल बैग रेडी कर रख। हॉस्पिटल बैग में आपको क्या रखना है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया है, तो आप उसे देख सकते हो, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में दे दूंगी। अगर बेबी के लिए नए कपड़े आप खरीद रहे हो तो उसे डेटॉल में धोकर धूप में सुखाकर तैयार रखें।
और साथ ही साथ आप नॉर्मल और हो सकता है सी सेक्शन दोनों डिलीवरी के लिए अपने आप को तैयार रखें और कोशिश करें कि आप खुश और पॉजिटिव, खुद को खुश और पॉजिटिव रखने की। माँ बनना एक औरत की जिंदगी की सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशी होती है और उस नन्ही सी जान को मिलने का समय अब पास ही आ चुका है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो जो कि मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फाइनली फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।